हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ के लिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है। नवरात्रि और दीपावली के बीच पड़ने वाला ये पर्व दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। महिलाएं इस त्योहार को लेकर सजने संवरने से लेकर जमकर खरीदारी भी करती है। आजकल श्रृंगार के सामान की दुकानों पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। करवा चौथ पर्व को लेकर उनमें काफी उत्साह नजर आया। जिन सुहागनों का पहला करवा चौथ है उनमें काफी उत्साह होता है। हर साल की तरह इस बार भी कल करवा चौथ का पर्व है। इस सावन पर्व पे सारी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आज एक दिन पहले हम सब मेहंदी लगवाते हैं, इसलिए आप सब इस देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत रश भी है। कल सारी स्त्रियाँ सुबह सरगी खा के व्रत रखेंगी, फिर रात को चांद देख के पानी पी के व्रत खोलेंगी। जैसे कि हर त्यौहार की हर बार की तरह इस बार भी हम मेहंदी लगवा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, करवा चौथ का त्यौहार है, बड़ा आनंद आ रहा है मेहंदी लगवाते हुए। सारे त्यौहार मना रहे हैं, बहुत खुशी का त्यौहार है। हर साल की तरह बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहंदी लगा रहे हैं। हर साल हम लगाते हैं मेहंदी। मैं दार्जिलिंग की रहने वाली हूँ। यहाँ पर करवा चौथ में पहली बार ऐसे मेहंदी लगाने आई हूँ और यहाँ पर फेस्टिव सीज़न देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सभी को करवा चौथ की, हर लेडीज़ को, महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ करवा चौथ की। एंड साथ ही साथ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू एवरीवन। वहीं बाजारों में खरीदारी करने आई महिलाओं में करवा चौथ के त्यौहार को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि ये साल में एक बार आता है और महिलाओं को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ के लिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है। नवरात्रि और दीपावली के बीच पड़ने वाला ये पर्व दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। महिलाएं इस त्योहार को लेकर सजने संवरने से लेकर जमकर खरीदारी भी करती है। आजकल श्रृंगार के सामान की दुकानों पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। करवा चौथ पर्व को लेकर उनमें काफी उत्साह नजर आया। जिन सुहागनों का पहला करवा चौथ है उनमें काफी उत्साह होता है। हर साल की तरह इस बार भी कल करवा चौथ का पर्व है। इस सावन पर्व पे सारी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आज एक दिन पहले हम सब मेहंदी लगवाते हैं, इसलिए आप सब इस देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत रश भी है। कल सारी स्त्रियाँ सुबह सरगी खा के व्रत रखेंगी, फिर रात को चांद देख के पानी पी के व्रत खोलेंगी। जैसे कि हर त्यौहार की हर बार की तरह इस बार भी हम मेहंदी लगवा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, करवा चौथ का त्यौहार है, बड़ा आनंद आ रहा है मेहंदी लगवाते हुए। सारे त्यौहार मना रहे हैं, बहुत खुशी का त्यौहार है। हर साल की तरह बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहंदी लगा रहे हैं। हर साल हम लगाते हैं मेहंदी। मैं दार्जिलिंग की रहने वाली हूँ। यहाँ पर करवा चौथ में पहली बार ऐसे मेहंदी लगाने आई हूँ और यहाँ पर फेस्टिव सीज़न देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सभी को करवा चौथ की, हर लेडीज़ को, महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ करवा चौथ की। एंड साथ ही साथ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू एवरीवन। वहीं बाजारों में खरीदारी करने आई महिलाओं में करवा चौथ के त्यौहार को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि ये साल में एक बार आता है और महिलाओं को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।